आज की इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं सिंपल सीरीज टेस्टिंग बोर्ड कैसे बनाएं, उसकी वायरिंग कैसे करते हैं। वैसे तो मैं आपको बता देता हूं सीरीज बोर्ड की काफी तरह से वायरिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं यहां पे आपको सिंपल तरीका बताऊंगा, बिल्कुल सिंपल तरीका। इसके अंदर क्या है, एक सॉकेट लेंगे हम और एक वन वे स्विच लेंगे और एक ये होल्डर लेंगे, बल्ब होल्डर, ठीक है। इनको हम इस मारिए एक सीट है, ये आपको मार्केट में मिल जाती है, अगर आपको सीरीज बोर्ड बनाना है तो कटी कटाई मिल जाती है। और एक लकड़ी का बॉक्स जिसके ऊपर हम इसको फिट करने वाले हैं, ये मिल जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इनको इसके ऊपर फिट कर लेना है। फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं, अभी मैं इसको कनेक्शन वगैरह करके दिखा देता हूं और उसके बाद इसको सर्किट डायग्राम यहां पे बना के आपको दिखाऊंगा, ताकि आपको याद रहे, कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। तो यहां पे हम इनको सेट कर लेते हैं पहले। तो फ्रेंड्स अभी हमने यहां पे एक सॉकेट और एक वन वे स्विच और एक होल्डर को यहां पे कनेक्ट कर लिया है, यानी कि इसके अंदर कस लिया है, टाइट कर लिया है। फ्रेंड्स ये वीडियो देखने के बाद में आपके मन में कोई सवाल सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। किसी भी प्रकार का कोई सजेशन भी है तो आप हमें सजेशन भी दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसकी वायरिंग करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, इसके अंदर फेज और न्यूट्रल सप्लाई आती है, तो हमारे पास ये एक वायर है जिससे कि हम फेज और न्यूट्रल सप्लाई लेके आएंगे। जो हमारा फेज इनपुट आएगा फ्रेंड्स, वो आएगा स्विच के नीचे वाले पॉइंट पे। तो हम यहां पे स्विच के नीचे वाले पॉइंट पे इस रेड कलर की वायर जो कि फेज वायर है, इसको नीचे कनेक्ट कर देंगे। यहां पे जो हमारा स्विच है ये बीच वाला फ्रेंड्स, इसके नीचे वाले पॉइंट पे फेज जो इनकमिंग सप्लाई आएगी स्विच बोर्ड के अंदर, वो फेज यहां पे कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो स्विच है, स्विच से ऊपर वाले टर्मिनल से सॉकेट में चला जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। ये स्विच का ऊपर वाला पॉइंट पे हमने जोड़ दिया है, ठीक है। ये इनपुट आई और ये स्विच से निकल के अभी हमारी सॉकेट में इस वाले टर्मिनल पे चली जाएगी। तो हम इसको यहां पे कनेक्ट कर देते हैं स्विच सॉकेट वाले टर्मिनल पे, ठीक है फ्रेंड्स। और जो सॉकेट का ये दूसरा टर्मिनल बचता है फ्रेंड्स, ये सॉकेट का जो दूसरा टर्मिनल बचता है, यहां से एक वायर जोड़ के हम लेके जाएंगे होल्डर के पास, ठीक है। तो हम यहां पे एक वायर जोड़ते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, हमने ये वायर जोड़ ली है। और इस वायर को क्या करेंगे हम, यहां से लेके होल्डर तक, ये हमारा होल्डर आप देख सकते हैं इस साइड वाला, तो होल्डर के पीछे दो टर्मिनल है, इसके एक टर्मिनल पे इसको कनेक्ट कर देंगे। बिल्कुल सिंपल है फ्रेंड्स, सीरीज का मतलब होता है सॉकेट को सीरीज में लेना, ठीक है, होल्डर के। तो आप यहां पे देख सकते हैं, मैं दिखाऊंगा आपको सीरीज में, जब डायग्राम बनाऊंगा तब आप खुद ये क्लियर हो जाएगा कि कैसे इसकी वायरिंग की गई है। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं, हमने होल्डर के एक पॉइंट पे सॉकेट वाला जो वायर उठाया था, हमने यहां पे कनेक्ट कर दिया है। अभी जो न्यूट्रल फ्रेंड्स, ये न्यूट्रल वाला वायर बचा है, इसको हम क्या करेंगे, होल्डर का जो ऊपर का पॉइंट है, होल्डर का जो दूसरा पॉइंट है, यहां पे कनेक्ट कर देंगे। तो हम यहां पे भी इसको कनेक्ट कर देते हैं। और फ्रेंड्स ध्यान रहे, जितने भी हम ये टर्मिनल टाइट कर रहे हैं, कस रहे हैं, इनके सारे की सारी प्रॉपर टाइटनेस होनी चाहिए, लूज नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम एक टेस्टिंग बोर्ड बना रहे हैं और इलेक्ट्रिकल के अंदर वैसे भी कोई लूज कनेक्शन नहीं छोड़ना चाहिए। तो आप फ्रेंड्स यहां पे देख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल था, यहां पे हमने फेज कनेक्शन किया इनकमिंग सप्लाई का, और यहां से जो फेज आउटपुट हुआ स्विच से सॉकेट में चला गया, और सॉकेट के दूसरे टर्मिनल से निकल के होल्डर में चला गया, होल्डर के अंदर दूसरे टर्मिनल के अंदर न्यूट्रल आ जाता है। तो इस तरह से हम इसको वायर कर लेंगे, और ये हमारे पास एक लकड़ी का बोर्ड है, इसके ऊपर इसको फिट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसको हमने इस लकड़ी के बोर्ड के अंदर इसको कनेक्शन कर लिया है। यहां पे हम एक बल्ब लगा देते हैं, इसको हम टेस्ट करके देखने वाले हैं भी, लेकिन उससे पहले क्या है, मैं आपको सर्किट पर आके दिखा देता हूं कैसे कैसे हमने वायरिंग की थी। तो फ्रेंड्स आप यहां पे देख सकते हैं, ये फेज वायर है, ठीक है, और ये न्यूट्रल वायर है, दो हमने ये वायर ली थी, ये वाली वायर जो फेज था फ्रेंड्स वो चला गया स्विच के नीचे वाले पॉइंट पे, और ये स्विच है, ठीक है, और जो स्विच का ऊपर वाला पॉइंट है फ्रेंड्स वो चला जाता है सॉकेट के अंदर। ये तीन पिन की सॉकेट, मतलब फाइव पिन सॉकेट है, पीछे से तीन टर्मिनल है, तो ये पीछे से हमने दिखा रखा है, ठीक है। और जो इसका दूसरा ये टर्मिनल है फ्रेंड्स, यहां से वायर उठ के चली जाती है होल्डर के अंदर, ये तो होल्डर लगा रखा है हमने, बल्ब का सिंबल बना रखा है, और यहां पे जो बल्ब होल्डर का जो दूसरा टर्मिनल था, यहां पे सीधा डायरेक्ट न्यूट्रल चला जाएगा, ठीक है।
तो ये देख सकते हैं आप, ये एक सर्किट सीरीज सर्किट बन जाता है जब इसके अंदर हम कुछ टेस्ट करते हैं या इन दोनों के बीच में, तो ये एक सीरीज सर्किट बन जाता है फ्रेंड्स, इसको हम इसीलिए सीरीज टेस्टिंग बोर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इसकी वायरिंग होती है, कैसे इसका सर्किट डायग्राम होता है। ये लैंप होता है, ये सॉकेट और ये स्विच। तो चलिए अभी हम इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं फ्रेंड्स। टेस्टिंग करने के लिए हमें इसको पीछे से सप्लाई में कनेक्ट कर देना है जहां पे हमारी सप्लाई आई हुई है। ठीक है, तो यहां पे जैसे कि आप देख सकते हैं बटन दबाने से कुछ नहीं हो रहा, लेकिन इसके अंदर जब टेस्टिंग करेंगे तो हमारे पास एक ये देख सकते हैं, तो एक हमारे पास एक ये ड्रिल मशीन है फ्रेंड्स, इसको हम टेस्ट करके आपको इसको दिखाएंगे। तो अभी मैं इसको यहां पे रख लेता हूं, और इसका जो स्विच है फ्रेंड्स, ये वाला स्विच है, इसको सिंपली इसके अंदर इसको बंद करके इसके अंदर इसको लगा देना है, और यहां से इसको बटन दबा देते हैं, क्योंकि ये सीधी डायरेक्ट नहीं चलती, यहां से प्रेस करने से चलती है। तो हम इसको जब चलाएंगे तो ये थोड़ा डिम चसेगा, और ये मोटर भी थोड़ी, इसकी मोटर भी कम चलेगी। ठीक है, देख सकते हैं आप, चल ही नहीं रही है बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर पावर नहीं जा रही है, लेकिन इसको चेक कर रहे हैं हम तो ये बिल्कुल ओके है। ठीक है, तो इस तरह से आप आसानी से एक सीरीज टेस्टिंग बोर्ड बना सकते हैं फ्रेंड्स। आज की वीडियो में आपको कुछ समझ में ना आया हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।